पब्लिक टीवी आपकी आवाज। रविवार को खुशालपुर पैरा की मिलक स्थित बाल विकास विद्यालय विजय निकेतन पर नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन मुरादाबाद द्वारा एक विशाल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मुरादाबाद शहर के जाने माने 40 चिकित्सकों द्वारा 986 से ज्यादा मरीजों को निशुल्क परामर्श और निशुल्क दवाई वितरण की गई। कैंप में निशुल्क शुगर, बीपी और ब्लड की जांच भी की गई। कैंप के माध्यम से मरीज की सभी प्रकार की जांचें, भर्ती और ऑपरेशन आदि कीमत पर किया गया। कैंप का आयोजन एनएमओ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर बीपीएस लोचव, सचिव डॉक्टर दिशांतर गोयल और कोषाध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार द्वारा किया गया। कैंप में जनरल फिजिशियन डॉक्टर सीपी सिंह, डॉक्टर बीपीएस लोचव, एसके मेहरोत्रा, डॉक्टर गौरव कुमार मौजूद रहे। तो वहीं स्त्री रोग विशेषज्ञों में डॉक्टर निधि ठाकुर और डॉक्टर रितिका अग्रवाल रही। मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिशांतर गोयल, डॉक्टर हिमांशु गुप्ता भी उपस्थित रहे। तो वहीं नाक कान गला विशेषज्ञ डॉक्टर संजय शाह और डॉक्टर हरि गुप्ता उपस्थित रहे। दंत और मुख रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक शर्मा, डॉक्टर रवि गौर, डॉक्टर प्रियांशु पाल और डॉक्टर अभिनय अग्रवाल के साथ गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष महाजन भी उपस्थित रहे। पेट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीतीश गर्ग ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हड्डी रोग विशेषज्ञ में डॉक्टर प्रदीप लोहिया, डॉक्टर अक्षय गोयल, डॉक्टर अमित अहलुवालिया। तो वहीं जनरल सर्जरी डॉक्टर सुभाष सिंह और डॉक्टर संजीव कुमार। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि गंगल, डॉक्टर वी एस दीक्षित, डॉक्टर प्रतीक गर्ग ने मरीजों का परीक्षण किया। नेत्र रोग विशेषज्ञ में डॉक्टर स्मिता अग्रवाल, डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल। न्यूरो सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र कुमार। पैथोलॉजी और जांच में डॉक्टर समीर गुप्ता, डॉक्टर सीमा मिड्डा और डॉक्टर सुनील कुमार उपस्थित रहे। सभी डॉक्टरों ने मरीजों का परीक्षण किया और उन्हें निःशुल्क दवाई वितरित की गयी। आवश्यकता थी इस तरह के कैंप आयोजित करने की। स्वास्थ्य सेवा से राज सेवा, नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन एनएमओ जो क्या भारतीय चिकित्सा का एक आरएसएस का अनुसंगी संगठन है, इसका उद्देश्य है चिकित्सा सेवा से राज सेवा। आज निशुल्क सेवा शिविर, वृद्ध सेवा शिविर बड़े उस पर आयोजित किया गया है, जिसमें सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर, मुरादाबाद के लगभग 40 डॉक्टर सब बड़े चिकित्सक हैं, जो नामी ग्रामी चिकित्सक हैं, वो यहाँ अपनी चिकित्सा सेवाएं दे रहे हैं, निशुल्क परामर्श दे रहे हैं। और सुबह से लगभग 900 से ज़्यादा लोग यहाँ परामर्श ले चुके हैं। सारी दवाइयाँ निशुल्क दी जा रही हैं, सारी जांचें निशुल्क की जा रही हैं। ये सुनो है कि मुरादाबादी में आस पास करीब है। आज जो हमने यहाँ पे कैंप आयोजित किया है, इसमें बहुत सारे मुरादाबाद के प्रख्यात डॉक्टर्स हमारे साथ में हैं और बहुत हर्ष महसूस हो रहा है कि एनएमओ की तरफ से एक बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है मुरादाबाद के नगरवासियों के लिए। और मैं एक नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ, मैं कहना चाहूँगी कि इस तरह के कैंप के माध्यम से हम ये जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि आप मोतियाबिंद के लिए सजग रहें, बच्चों की आंखों में जो कमजोरी होती है उसके सजग रहें, टाइमली डॉक्टर को आके दिखाएं। एनएमओ के तत्वाधीन ये काफ़ी विशाल मेगा कैंप का आयोजन हुआ, थैंक्स टू डॉक्टर शांतर एंड ऑल द टीम। यहाँ पर मैंने देखा जनरल बीमारियों के भी है, डायबिटीज़ के भी, बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि आज के मतलब उनको डायबिटीज़ भी है। जब आरबीएस और ये किया गया तो लोगों को डायबिटीज़ यहाँ पर पाया गया और कुछ कुछ मरीज ऐसे भी मिले जिनको फीवर की भी शिकायत रही है, शायद ये मौसम के वजह से हो, ये मौसम भी ऐसा है कि जिसमें फीवर की शिकायत है और वायरल फीवर भी काफ़ी फैला हुआ है। तो मुख्यतः डायबिटीज़ फीवर का और पेट दर्द के ज़्यादा मरीज यहाँ पर देखने को मिले। अच्छा, कैंप भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा, एनएमओ के द्वारा जो कैंप लगाया गया उसमें काफ़ी लोगों ने कैंप का लाभ उठाया और मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोग इससे लाभान्वित होंगे और आगे भी हम ऐसे ही प्रयास जारी रखेंगे। जो अभी पेशेंट आए हैं उनमें किस तरह की परेशानियाँ थी उनको? यहाँ पर हर तरीके की बीमारियों के डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, लगभग आँखों के, दांतों के, कान नाक गले के, जनरल फिजिशियन और पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट सभी आए हुए हैं और सभी प्रकार की बीमारी के लोगों ने यहाँ पर लाभ उठाया है। नाक कान गले की बीमारियों में सबसे ज़्यादा कान के मरीज, कान बहने वाले आते हैं और कान बहने के मर्ज में, क्योंकि मर्ज जो है वो कई कई महीने, कई कई साल चलता है, तो लोगों में जागरूकता कम है,
कान के बहने वाले मरीजों में आधे मरीजों में ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन दवा करते करते मरीज समय निकालता जाता है, उससे कई बार मर्ज बहुत बढ़ जाता है। तो समय रहते ऑपरेशन करा लेना चाहिए और मर्ज को बढ़ाना नहीं चाहिए। कान में देखिए साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखना, कान में पानी चले जाना और कान बहुत ज़्यादा साफ़ करने की कोशिश करना, ये सब वजह हैं जो कान के मर्ज को और ज़्यादा बढ़ाती हैं। अगर हम कान अंदर तक साफ़ करने की कोशिश करते हैं तो बड अंदर कहीं ना कहीं कान को नुकसान ही करती है। ये सेवा भारती के द्वारा यहाँ पर चिकित्सा कैंप लगाया गया है, इसमें सहयोगी संस्था हमारी NMO है, नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक जो 11:30 का समय है, हमारी जो रजिस्ट्रेशन हुआ है पेशेंट्स का वो 1050 का है और ये कैंप हमारा 2 बजे तक चलेगा। ये मैं आपको 11:30 बजे की वो बता रहा हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे तो डॉक्टर्स ने आपका सहयोग किया है और मरीजों की ट्रीटमेंट कर रहे हैं? समाज में जो सक्षम लोग हैं उनमें सेवा भाव जागृत हो, क्योंकि अपने देश में ऐसे लोगों की बहुतायत है जिनको चिकित्सा की सुविधा मिलती ही नहीं है, और मिलती भी है तो बहुत मुश्किल से। तो ये मैं अपने सभी डॉक्टर्स बंधुओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके इस मुरादाबाद के पिछड़े क्षेत्र में आकर के यहाँ पर की गरीब तबका बहुत ज़्यादा है उन लोगों की सेवा के लिए अपना समय निकाला। पब्लिक TV आपकी आवाज़।